नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। कल बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है, क्योंकि यहां पर विधायकों को सिर्फ संसद से उठाकर बाहर ही नहीं फेंका गया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। खींच खींच के बाहर निकाला गया, हमारी बात नहीं सुनी गई, एक अपराधी की तरह व्यवहार किया गया है। विरोध अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन सदन से आती इस तरह की तस्वीरों ने सदन की मर्यादा को तार तार किया है। जनता के द्वारा चुने गए माननीयों के साथ पुलिस और मार्शल का इस तरह का व्यवहार खतरनाक है। ये व्यवहार कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करता है। वहीं नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र के इस मंदिर में डीएमएसपी के सामने विधायकों को निकाल निकाल कर पीटा गया। इसके साथ ही महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। एक काला कानून पेश किया गया जिसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े थे, और बिहार के ही नहीं देश के इतिहास में ऐसा होगा कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया, एसपी खुद वहां उपस्थित रहे, डीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट घसीट के जो पीटने का काम किया गया, बाहर निकालने का काम किया गया। हमारी पूर्व मंत्री जो महिला अति पिछड़ा समाज से जो आती हैं, उन नीता देवी का बाल खींच के सारी खोल करके घसीट करके जो ले जाने का काम किया गया, आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। पूरा मामला तब बिगड़ गया जब पुलिस बिल को लेकर संसद में विपक्ष के विधायकों ने स्पीकर विजय कुमार को बंधक बना लिया। विपक्ष के विधायकों ने बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल को काला कानून बताया है और इसी बिल को पास होने से रोकने के लिए पूरा हंगामा शुरू हुआ। वहीं सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिल को लेकर विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है और लोगों के बीच भ्रम फैला रहा है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। डिबेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी, और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक एक बात को लेकर के स्पष्टता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है। वहीं बिहार में हंगामा सिर्फ सदन तक ही सीमित नहीं है बल्कि सड़कों पर भी विपक्ष और सरकार के बीच की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। महंगाई को लेकर सड़क पर निकले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव और आरजेडी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और लाठियों का सहारा लेना पड़ा। ये लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने इनको रोक दिया। इसके बाद पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई। पुलिस के लाठीचार्ज में कई आरजेडी वर्कर्स चोटिल भी हुए। इन लोगों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस मार्च का नेतृत्व करने से पहले तेजस्वी ने उर्दू की यह मशहूर पंक्तियां भी ट्वीट की थी। उन्होंने लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इसके जरिए उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की कि वह अब करो या मरो के लिए तैयार है। मार्च के रास्ते में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। दरअसल यह मार्च प्रशासन की अनुमति के बगैर निकाला गया था और प्रदर्शनकारी कोविड-19 नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। तो इस पूरे मामले के बाद आरजेडी ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार को घेर लिया है। अंदर में हम लोग आसन से मांग कर रहे थे कि इस कानून को वापस लिया जाए, तो नीतीश कुमार जी पुलिस बल का प्रयोग करके महिलाओं को पिटवाए हैं और एक एक करके बाहर खींच के बाहर निकाला गया, हमारी बात नहीं सुनी गई, एक अपराधी की तरह व्यवहार किया गया। इसे समझ लीजिए कि अभी कानून पास, अभी पुलिस बिल पास नहीं हुआ तो ये रवैया है, जब पास हो जाएगा तो आम जनता के साथ ये क्या करेंगे। अब ऐसे में घिरते नीतीश कुमार क्या कुछ सफाई देंगे, ये देखना अहम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी, तो जो बिहार विधानसभा में कल हुआ वो इससे पहले कहीं नहीं हुआ। तो ऐसे में एक बात कहना लाजमी है कि बिहार में बाहर नहीं, बिहार में बवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।